अब आपको एक मौका देता हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ जीतने को मिलेगा। पहले हम पैसे रखते थे उसमें, पर हम सिर्फ बोलते थे, दे नहीं पाते थे, हमारे पास है नहीं। पर आपको खेल खिलाते हैं के भैल करोड़पति, तो जी प्लीज लेके आइए जरा। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेल में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। तो आज हमारे इस खेल में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मार्शल आर्ट्स के मास्टर टाइगर श्रॉफ, द क्यूट एंड ब्यूटीफुल अनन्या पांडे, और जिन्हें देख कर धड़कता है सबका जिया तारा सुतारिया। आप लोग आज यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, हम आपको देना चाहेंगे। तारा जी, ये स्पेशल चीज आपके लिए। ओ, क्या ये? ओ, चांद। इट इज ए चांद। इस चांद ने आज आपको पूरा कर दिया। अब आज आप पूरी हो गई हैं, पानी में मत जाइएगा, कहीं पानी पूरी ना हो जाए। जस्ट अ जोक्स, माहौल के लिए हम कह देते हैं। वैसे अनन्या जी, आपके लिए भी हम कुछ लाए हैं हमारे घर से स्पेशल। थैंक यू। क्या है ये? टिफिन एकदम खाली है घर पे, जो बना हो भर के दे दीजिएगा। Okay. I'm very hungry today. और टाइगर जी आपके लिए भी लाए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इतना मतलब सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, हमारी तरफ से ये लीजिए। क्या बात है, शुक्रिया। 60 रुपए का रिचार्ज करके दे दीजिएगा। ओके, बिकॉज पुअर के साथ साथ आई एम वेरी नीडी ऑल्सो। चलता है, चलिए अब जो है खेला शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। हेलो हेलो हेलो, हाँ मुझे कल से गैस हो रही है। हाँ नहीं, मुझे ठीक नहीं करानी, मुझे खाली सिलेंडर चाहिए। मैंने बेचनी है, मैंने गैस का लघु उद्योग शुरू किया है। ठीक है, हाँ वाह वाह वाह, क्या बात है। तू इधर क्या कर रहा है? हेलो, बहुत मजा आया आपको देख के, टाइगर साहब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ पे हाथी वगैरह ही आते थे, टाइगर देख के बड़ा मजा आया। मैं अभी जंगल में फोन करता हूँ। हेलो, हाँ जंगल, हाथी को फोन दो। हाँ हाथी, हाँ भालू को फोन दो। हाँ भालू, हाँ जिराफ को फोन दो। हाँ जिराफ, हाँ जेब्रा को फोन दो। नहीं मुझे काम कुछ नहीं, मेरे को मजा आ रहा है। मैं एक्चुअली अर्चना जी वाली फीलिंग ले रहा हूँ कि बिना काम किए मजा कैसे लेते हैं। आता ही उल्टी सीधी बातें शुरू कर दिया आपने। आपको कुछ अकल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा अकल है, लोगों को आती नहीं, मेरी जाती नहीं है। लड़कियों मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी जो ऊपर बत्ती निकली हुई ना ट्विंग करके, इसको थोड़ी सी आग लगाओ अनार बम चलेगा। अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हैं तो आप ऐसे किक विक मारते हैं, आपके पास ऐसा कोई किक है जो इनके सीधा मुंह पे लगे और मुंह बंद हो जाए? प्लीज फॉर मी। ओए गरीबों के सुमो पहलवान, मेरी बात सुनो। टाइगर के पापा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। दिल्ली में मुझे मिलने आते थे करोल बाग। हाँ। लेकिन उनके आने के बाद ना सारे जेंट्स लेडीज लड़ने लगते थे, उसके बाद नहीं आए वो। ऐसा क्यों? अरे वो जब भी आते थे सारे बच्चों को बोलते थे, आ मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। तो जो आदमी थे अपनी बीवी से झगड़ते थे कि तू तो कहती थी मेरा बच्चा है, ये किसका है, तो मेरे वाला कहाँ है। आई एम मिसिंग जग्गू दादा, उनको फोन करके बुलाओ टाइगर। अभी हाँ उनको बुलाओगे आ जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। हम दिल से बुलाने की कोशिश करते हैं। आप लाओ जग्गू दादा, वी लव यू। बड़ो बड़ो, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो, बड़ो और चुप, लव यू। ये एपिसोड के शुरुआत में आप बोले कि मुझे आपका 5 रुपया देना है। आप जो मेरे घर आके 8,000 का वड़ा पाव खा के गए उसका क्या? बड़ा चुप, मेरा बच्चा है तू, कैसे मेरा बच्चा है तू।
अंकल मेरा बच्चा है तू, आंटी मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, हाथी का बच्चा है तू। सबके पापा आ गए, सबके पापा आ गए, मेरा बच्चा है तू, सबके पापा हो तुम, 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 मेरा बच्चा है। मैं थक गया। हेलो, हो क्या पापा बच्चा, पापा बच्चा लगा के रखा है यार, शांत हो जाइए थोड़ा। अबे वो डायनोसर कैंडी, अभी तो हम हाथी का बच्चा थे, डायनासोर कहाँ से आया? बेड़ू अब उठ तो गया, बैठेगा कैसे? बैठ के देखेगा। सही है, सही है। मैं देखेगा बैठेगा कैसे? Come on! Watch it! वैसे टाइगर जी, ये नकली जग्गू दादा हैं, आप किसी को बताइएगा मत। अच्छा। खेला शुरू करने से पहले जग्गू दादा आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। पूछो। आप दादा कैसे बने? मैं पैदा ही दादा बोला। डिड आई टेल यू अबाउट दिस? नो। मैं छोटा था, मैं लहान होता, छोटा था, मैं इसे पैदा हुआ, तो जैसे पैदा हुआ मैं अर्चू, मैं ऐसा गले में बांधा और जो नर्स थी उसको ऐसा कैंची दिखाया, मैं बोला मेरी बच्ची है तू। ओ क्या की, वो ऐसा भागे हॉस्पिटल में, ऐसा बाहर गई, भागे और बोले दादा पैदा हुआ, दादा पैदा हुआ। चल मेरा तो ठीक है, मैं सुपरस्टार हूँ। तू पैदा हुआ था कि उबाला गया था? मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसे हनीमून कपल जब जाता है ना हनीमून पे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो ये सब होता है फिर। पानी पानी। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफी फिट लोग हैं और जिम में जाते हैं, एक्सरसाइजिंग पसंद करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये, 50 ग्राम अंकुरित चने के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारा सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि लोग जब कोई लड़ाई होती है, बातचीत होती है, तू मैं होती है, तो कोई ना कोई इस झगड़े में जरूर कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जानना चाहते हैं कि ये सवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा है। आपका ऑप्शन है ए, क्योंकि सवाल के माँ बाप कभी हनीमून पे गए ही नहीं तो पैदा नहीं हो। ऑप्शन बी, सवाल के माँ बाप के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तीसरा नहीं चाहिए। ऑप्शन सी, सवाल ने कसम खाई है जब तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 नहीं देख लेता वो पैदा नहीं होगा। या फिर ऑप्शन डी, उसके पापा सऊदी में हैं लेकिन माँ यहां पर है, अगर पैदा हो गया तो सवाल पैदा हो जाएगा, इसलिए वो पैदा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से सवाल इसलिए नहीं पैदा हो रहा क्योंकि अगर सवाल पैदा हो गया तो जग्गू दादा कहेंगे मेरा बच्चा है तू। जग्गू दादा कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अबे वो राउंड टेबल आदमी, बकवास बनकर मैं बात करेगा। अनन्या, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। चंकी, चंकी के लिए जोरदार ताली, आई लव चंकी। चंकी मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है। मैं पूछना था, मेरे को चंकी अभी भी वो कंजूसी करता है क्या? बहुत कंजूस था वो अपने टाइम, थोड़ा कंजूसी करते है। यू नो अर्चू, मेरा हैप्पी बर्थडे था तो चंकी आया बर्थडे पे, मैं चंकी को बोला गिफ्ट, तो कहता है 2 दे दो। ओ, मेरे को गिफ्ट भी नहीं दिया और 2 रिटर्न गिफ्ट लेके गया, बोलता एक मेरे लिए एक अनन्या के लिए। मैंने पूछा था। बड़ा लव हिम, चंकी इज द बेस्ट, लव यू चंकी, लव यू, आई लव चंकी। बैठिए सर, आप आराम से बैठिए। तो बताइए सही जवाब क्या लगता है आपको? आई एम कंफ्यूज बिटवीन ए और सी के बीच में। यू श्योर? आई थिंक हम जाएंगे सी के साथ। ऑप्शन सी? ऑप्शन सी। लेट मी चेक। Please do. My God, sahi jawab! Oh
हमारी तरफ से आप जीतते हैं ये 50 ग्राम अंकुरित चना। ये लीजिए, ये अंकुरित चना है आपका, बाद में आपको मिल जाएगा। वैसे भी बाय चांस अगर आप इसे सादा चना की तरह खाना चाहते हैं तो इसका अंकुर आप काट सकते हैं, मर्जी है आपकी। उसके अलावा खाने से पहले अगर आप इसमें अर लगा दें तो ये अर चना भी बन सकता है। अगला सवाल 4 ब्राउन ब्रेड के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सवाल यह है कि अक्सर कहा जाता है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, हम जानना चाहते हैं तो फिर 2 मछलियां क्या करती हैं? आपका ऑप्शन है ए, वो तालाब को और गंदा कर देती है, या ऑप्शन बी, जब 2 मछलियां मिलती हैं तो वो कुछ गंदा वंदा नहीं करती, वो चुगली करती हैं, ऑप्शन सी, या फिर वो दोनों वो करती हैं जिससे और मछलियां होती हैं, या ऑप्शन डी, या उनका पर्सनल मैटर है यार, हमें क्या लेना देना। अच्छा मेरा एक सवाल है, जैसे छोले और राजमा रात को पानी में भिगो के रखो तो भूल जाते हैं, मछली 24 आवर पानी में रहती, क्यों नहीं भूलती? मस्त है वो बेचारी, सारा दिन पाउट बना के बैठी रहती हूँ करके, उसकी कोई सेल्फी क्यों नहीं लेता? That's so true. बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने, आगे फिर मत कीजिएगा। जग्गू दादा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? माय बड़ू, आई लव फिश, मछली अपने को पसंद है बड़ू, और जब भी मछली मैं देखता हूँ तो मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, क्या? कि मेरी मच्छी है तू। आई लव, ले ले। ना ना, हमको दूध का कोई जरूरत नहीं। अरे मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू। बच्चा है पर इतना छोटा भी नहीं है। कैच, दोनों को इग्नोर करते हैं, आप बताइए सही जवाब क्या रहेगा? डी, आई थिंक पर्सनल मैटर है उनका। पर्सनल मैटर है उनका, लेट मी चेक, प्लीज डू। वो सही जवाब। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अरे उत्तर भी सही है और मेरा पुत्र भी सही है, टाइगर लव यू। तो आप जीतते हैं ये 4 ब्राउन ब्रेड, ये लीजिए, प्लीज हैव इट। लेकिन इसमें आप बटर लगा के खाइए, जैम लगा के खाइए, लेकिन आज 12 बजे से पहले खा लीजिएगा, जरा 15 दिन पुरानी है। इट कुड बी अ लिटिल एक्सपायर्ड, जस्ट अ लिटिल। तो चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल 2 अंडों के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। 3 बत्ती के भिखारी, ये क्या बार बार ये स्क्रीन, स्क्रीन क्या करता रहता है? हाँ बोलो, चढ़ा बनता है, इधर कम कर, कम कर, वापस कर स्क्रीन, और भी कम कर, और कम कर, कम कर स्क्रीन, और कम कर स्क्रीन पे। हाँ एक बात बता, तू इतना डरता है तो इतना बड़ा शो काहे को होस्ट करता है? अब बहुत अच्छा कर रहा है, बढ़ो इसके लिए जोरदार ताली हो जाए, फैंटास्टिक। एक बार कर ऐसा स्क्रीन। हाँ देखा, इसको मैं सिखाया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया जग्गू दादा फॉर द एनकरेजमेंट। एक मिनट, तुम ना शो बहुत स्लो चला रहे हो। एक मिनट, ये डला चौथा गियर, अब ये तेज चलेगा। आप अपनी गाड़ी पे ध्यान दीजिए ना यार, हमारे गियर क्यों चेंज कर रहे हैं? अनिवेज, तो 2 अंडों के लिए सवाल हम पूछ रहे हैं। मुझे एक सवाल पूछना है। आप पूछिए। जैसे मुर्गी का अंडा होता है, कौवे का अंडा होता है, सांप का अंडा होता है, लेकिन सिर्फ मुर्गी का अंडा ही क्यों बिकता है? आई थिंक मुर्गी ने MBA किया है। कमाल का बात किया इस आदमी ने, मुर्गी को भी MBA करवा दिया। MBA का फुल फॉर्म पता है? हाँ, मुर्गी बेचेगी अंडा। #boycott अरोरा।
तो चलिए अगला सवाल ये रहा, दो अंडों के लिए आपका कम। अरे कर रहे, बहुत मजा आता है, करो बड़ो। आप ना कर रहे ये रहा अगला सवाल आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल यह है कि आपका एक सुपरहिट डायलॉग है, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। हम खाली जानना चाह रहे हैं ये किस चीज की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है ए नींद, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, मतलब आप सोते ही रह जाते हैं, मे बी वी आर जस्ट आस्किंग। ऑप्शन बी पेमेंट, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, आप पेमेंट करते ही नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी गर्लफ्रेंड, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, जो है वो है। ऑप्शन डी, यही ऑप्शन डी है। ठीक, देखिए क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है, इसमें क्या है, देखिए आप लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं, आई हैव 50-50, लेकिन उसमें चक्कर क्या है कि 50-50 अगर आपने यूज कर लिया फिर आपको एक ही अंडा इनाम में मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, बिकॉज 50-50। आप एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं लेकिन फिर आपको अंडा एक्सपर्ट के साथ शेयर करना पड़ेगा, या फिर आप ऑडियंस पोल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑडियंस पोल लिया तो अंडे भी ऑडियंस से लीजिएगा, हम नहीं देंगे। चलो फिर ऑडियंस को पूछते हैं, ऑडियंस को पूछते हैं, ऑडियंस आपको क्या लगता है? ऑडियंस का काफी मिक्स निकल के आ रहा है, तो एक बार जरा एक्सपर्ट की राय भी ले लेते हैं, एक्सपर्ट हमें बता सकते हैं, एक्सपर्ट बताइए। मैंने बताया नहीं। आप नहीं बताएंगे जग्गू दादा, आप हमें बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। बोलो, मैं सिर्फ तीन चीज कहना चाहूंगा। कहिए। मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है। ठीक है, हम आपके बच्चे हैं, हमारे पिताजी भी आपके बच्चे हैं, हमारे दादाजी भी आप ही के बच्चे हैं, हमारे दादाजी के पिताजी भी आपके बच्चे हैं, अब बाकी जहान में जितने लोग बचे हैं वो सारे के सारे आपके बच्चे हैं। बोल दे रहा मेरे को? नहीं, हम नहीं बोल दे रहे क्या? बोल, बोल, बोलना नहीं, बोल, बोल दे रहे क्या? बोल नहीं दे रहे क्या? पूछ रहे। अरे देना, मजा आता है, तो बहुत अच्छा करता है। गुड जॉब, डूइंग गुड जॉब, फैंटास्टिक, लवली, गुड जॉब, आई लाइक इट। आप एनकरेज करते हैं, डराते हैं, समझ नहीं आता। बिना मेरा बच्चा आई एम फुल। आपको पता है जग्गू दादा, आप इसको बोतल दे रहे थे ना, ये बोतल दे नहीं पीता, ये भैंस चूस लेता है। एक बार तो भैंस इतनी चूस गया, सारी भैंस अंदर निकल गई, उन्हें पूंछ से पकड़ के खींची। ये तो चलता रहेगा, आप बताइए जवाब क्या हो सकता है। हम एक दूसरा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, एब्स। आई थिंक वो सही आंसर होगा। लेट मी चेक। प्लीज चेक। अफसोस, नो, ये सही जवाब है। आप जीते हैं दो अंडे हमारी तरफ से, ये लीजिए। थैंक यू। निकम्मा कामचोर आलसी, इतने बड़े मेहमान बुला के दो अंडे देता है। देखिए आप हमारे खेला में ना बाधा डाल रहे हैं। मैं तेरे खेला में कूड़ा भी डाल सकता हूँ। जग्गू दादा आप कुछ बोलिए ना इनको। हाँ बोलिए। आए, आए, मेरा बच्चा है तू। आई लव यू। थैंक यू। तो मेरा बच्चा है तू, इन्हीं गोल्डन वर्ड्स के साथ ये खेला हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, द टीम ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू, थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।